हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्प्रेशन सा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बुक। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के पांच एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। आज हम उसमें से पहला एलिमेंट स्टडी करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बोले हम या एटॉमिक रेडियस बोले, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो डिस्टेंस होता है बीच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, पूरे सेल में जो बीच का सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उस न्यूक्लियस से आउटर रेडियस, सर्कमफ्रेंस हम सब जानते हैं, सर्कल का आउटर जो रहता है बॉडी उसको हम बोलते हैं। तो आउटर रेडियस मतलब जो आउटर सर्कमफ्रेंस जैसी चीज रहती है न्यूक्लियस से, उसका डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। वो जो अच्छा साइज होता है, जो रेडियस होता है, वो ऐसे नापा जाता है किसी भी एटम का। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आउटर मोस्ट शेल और ये रहा एटॉमिक रेडियस। ये डायग्राम आता है अक्सर एग्जाम में। एटॉमिक रेडियाई भी हम बोलते हैं, रेडियस दो को हो गया और रेडियाई सिंगल होता है। और एटॉमिक रेडियाई की जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम, यूनिट ए डिग्री, ए ओ लिखते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू, सिंबल क्या है, ए ऊपर जीरो छोटा सा रहेगा। अब बॉन्ड लेंथ कितनी लेंथ हो जा सकती है, एटॉमिक रेडियस जो है किसी प्रॉपर लेंथ पे डिफाइन करेगा। क्या वो लेंथ रहेगी, अब वो लेंथ रहेगी इन्फिनिटी। दो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, और न्यूक्लियस से एटॉम आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। बॉन्ड लेंथ हम दो एलिमेंट में कर सकते हैं, एलिमेंट भले ही सेम रहे लेकिन एटम दो होने चाहिए। दो एटम के बीच में अगर हम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस नापेंगे तो हमें बॉन्ड लेंथ का पता चलेगा, और हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल नापेंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस का पता चलेगा। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जिसपे एटॉमिक साइज डिपेंडेंट रहता है। फैक्टर्स मतलब वो कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज होता है, ये हम स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, रीजन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जब हम नापेंगे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल को नापेंगे जाएंगे जब हम, तो जब हम नापते हैं वन आ रहा है तो थोड़ी दिन बाद हम ट्राई करते हैं कि हम एक और कंप्लीट करें। वैसे शेल भी ट्राई करता है कि एक और रेडियस बढ़ाए अपना, एक और आउटर मोस्ट शेल बढ़ाए ताकि उसको और नापना पड़े, वो और बड़ा हो जाए। इसलिए वो अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाता है और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, अगर शेल इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस की दूरी बढ़ेगी, और रेडियस की दूरी अगर बढ़ेगी तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस द एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये दोनों प्रोपोर्शनली डिवाइडेड नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव का चार्ज लगेगा इस एटम पे या नेगेटिव का चार्ज लगेगा, ये चार्ज में इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे इंक्रीज होगा, आउटर मोस्ट शेल जो होता है एटम का वो अट्रैक्ट करता है कोई भी एनर्जी को, फोर्स जो होता है इंक्रीजिंग फोर्स आउटर मोस्ट शेल अट्रैक्ट करते जाता है। और जब आउटर मोस्ट शेल बढ़ेगा, आउटर मोस्ट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल बढ़ता चला जाएगा तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो भी चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और वो बढ़ते बढ़ते इक्विवेलेंट हो जाएगा एटॉमिक नंबर के। वो जो चार्ज रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो लगा रहेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे रहेगा तो वो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल का उल्टा हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमें करंट अगर लगेगा तो हम अपने आप को सिकोड़ लेंगे, हम हाथ अगर हम स्विच के पास गाले हमें करंट लगा, हम हाथ पीछे खींच लेंगे। वैसे ही अगर एटम को करंट लगेगा वो अपना एक जो आउटर मोस्ट शेल है वो गिरा देगा, वो जल जाएगा या उसको डैमेज हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता चला जाएगा।
to number of shell increases then atomic size and nuclear size increases then atomic size decreases. Nuclear charge is inversely proportional to atomic size and number of shell is directly proportional to atomic size. मतलब ये दोनों इंक्रीज होंगे, इसमें से एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा. नेक्स्ट आ दैट ट्रेंड इन एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट अब हम जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल्स हम ट्रेंड करते हैं और एटॉमिक साइज की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो ऐसे जाएगा लेफ्ट से राइट, तो एक एक शेल बढ़ता चला जाएगा. लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है और नंबर ऑफ शेल जो शेल रहते हैं वो सेम रहेंगे. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि जब शेल इंक्रीज होते चले जाएंगे, जब न्यू जो रहेगा एटॉमिक साइज वो लेफ्ट टू राइट जो है वो सेम रहेगा, न्यूक्लियर चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं चेंज होगा? पीरियड टू में लीथियम इज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस एंड फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट. जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लीथियम का सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन का सबसे छोटा है. नियॉन हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस सिंस इन इनर्ट गैस. इनर्ट गैस में अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो नियॉन से ही बड़े बड़े हैं, लेकिन तो भी नियॉन का अभी तक सबसे बड़ा है एटॉमिक रेडियस इनर्ट गैस में, मतलब नोबल गैस में नियॉन सबसे बड़ा है. आउटर शेल इज कम्प्लीटली फील्ड रिजल्टिंग फोर्स ऑफ रिपल्शन. नियॉन का क्या है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो पूरा फील्ड है, इनर्ट गैस है, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो कर चुका है ये जो नियॉन है. तो ये क्या करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी एनर्जी आती है वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए तुम वापस लेके चले जाओ, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है और जिसके पास सब कुछ रहेगा वो क्या लेगा, वो अगर लेगा नहीं तो वो देगा भी नहीं, इसलिए वो रिपल्शन करता है. मतलब जो एनर्जी उसके पास आए उसको वापस भेज देगा, इसलिए उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है. द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सीन. न्यूक्लियर पुल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट होता है वो देखा नहीं जा सकता है. अ कैटायन फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ आयरन इज स्मॉलर देन पेरेंटल न्यूट्रल एटम सिंस द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैटायन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस दस डिक्रीज इन कैटायन साइज. जो कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन मतलब दे देगा, एनायन मतलब ले लेगा, मतलब जो कैटायन स्मॉलर होता है एटम से, न्यूट्रल एटम से, जब तक वो इलेक्ट्रॉन कैटायन स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर लेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ, तब तक उसका जो साइज रहता है वो डिक्रीज होता जाता है. तो एटॉमिक साइज रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट हम जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा या अनफेक्टेड हम लिख सकते हैं. एटॉमिक साइज अनफेक्टेड रहेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. तब अगर हम डाउन टू इन अ ग्रुप गए, मतलब ऊपर से नीचे गए, मतलब लीथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऐसे फ्लो में गए जब हम, तब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? जब नए शेल ऐड होते जाएंगे, नए शेल ऐड होने में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होने में अंतर होता है. ये जो हमें दिखता जाता है 2 1 2 2 2 3, ये जो 1 2 3 है ये न्यूक्लियर चार्ज है जो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो दिख रहा है 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 18 8 1, ये नंबर ऑफ शेल है. जितने नंबर दिख रहे हैं उतने शेल हैं और उतने उस शेल में उतने एटम हैं, इलेक्ट्रॉन हैं. 2 2 1 दो नंबर दिख रहे हैं, दो शेल है और दो शेल में एक शेल में है दो इलेक्ट्रॉन और एक में है एक इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से पता चलता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा. 1 है 8 18 1 1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा वो. तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो वैलेंसी दी गई है. न्यूक्लियर डिस्टेंस जब हम लेंगे तब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब हम एटॉमिक साइज नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई के थ्रू मेजर करें तब उसको डिक्रीज होना चाहिए लेकिन वो इंक्रीज हो रहा है.
इंक्रीज हो रहा है, जो कि शेड इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसलिए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल डोमिनेट ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ओवरऑल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज दी गई है उसमें से ऊपर वाली सही है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. क्यों ऐसा दिया गया है? क्योंकि जब नंबर ऑफ शेल डोमिनेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल दोनों एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, तब साइज तो बढ़ना ही चाहिए ना. इससे जब एटॉमिक रेडियस रहेगा तब इंक्रीज होता जाएगा. जब हम नीचे जाएंगे, डाउन टू ग्रुप जाएंगे, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब डिक्रीज होता जाएगा. अब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है? वो क्या है? वो ले सकता है या दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, वो गेन करेगा या लूज करेगा, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी हटाने के लिए एक बॉन्ड जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल में आइसोलेटेड गैस से, उसमें से एनर्जी हटाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूज करते हैं. जैसे हमारे पास एटम है ये, और एटम का आयन है एम प्लस. एम प्लस में जब हम प्लस करेंगे इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्लस कर रहे हैं मतलब वो लूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेस हो गया. एनर्जी कितनी रिमूव हुई? सेकेंड इलेक्ट्रॉन की रिमूव हुई, मतलब एम प्लस प्लस रिमूव हो गई, सेकेंड भी ऐसे लेस होता चला जाता है. तो जो यूनिट रहेगा वो रहता है ई वी. यूनिट आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको जो फॉर्मूला रहता है, सिंबल रहता है, वो है स्मॉल ई और कैपिटल वी. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को, वो है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज मतलब जो एटॉमिक एटम का साइज रहता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक, वो इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा. जब साइज इंक्रीज होता जा रहा है तब जो अट्रैक्शन होगा वो कम होता जाएगा न्यूक्लियस से. जैसे ही जैसे प्लैनेट सन से दूर चले जाते हैं, सन की गर्मी उन तक नहीं पहुंचती है. नेपच्यून सबसे ठंडा प्लैनेट है, प्लूटो इतनी दूर है चला गया है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. वही हालत हो रहा है एटम के साथ भी, वो जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जा रहा है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? अगर न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जा रहे हैं, और जितने आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना ही आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी हेल्ड करेंगे, मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने की वो कोशिश करने रहेंगे. अब हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेस पे, तब क्या होगा पीरियोडिक टेबल का. जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब जो एलिमेंट हमें मिलेंगे वो लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये एलिमेंट मिलेंगे हमें पीरियड टू में. यहाँ पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा उसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा. एटॉमिक रेडियस बोलेंगे या आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता चलेगा. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो कम होता जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होने वाले हैं. न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. ऊपर हमने देखा था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. यहाँ एटॉमिक साइज की बात की जा रही थी तो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात की जा रही है तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं. बस अगर यहाँ चेंज करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर नीचे हो जाएगा. एलिमेंट हीलियम इज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाइल सीजियम इज द लोएस्ट. हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है और सीजियम का सबसे कम होता है. फ्रांसिस से जो रहता है फ्रांसियम FR, वो रेडियोएटिव सब्सटेंस है, मतलब बहुत रिएक्टिव है, किसी को कोई भी इसको जल्दी रिएक्ट नहीं करवाता है. मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड जनरली हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर टू नॉन मेटल. मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स ले लेते हैं और मेटल्स दे देते हैं.
तो देने की वजह से क्या होता है, उनका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता चला जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है हमारा, मतलब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस कम होता चला जाएगा, और एटॉमिक साइज इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो लूजली हेल्ड हो जाएगा, उसमें जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं आ पाएगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, उसमें लो हो जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और यहाँ पे डिक्रीज इसलिए हुआ था क्योंकि ये मेटल से नॉन मेटल जा रहा है और मेटल लूज करते हैं, जहाँ अभी छोड़ा जाएगा वहाँ लो हो जाएगा, जहाँ गेन होगा वहाँ बढ़ जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होगा तो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसलिए सबकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और जो ट्रेंड्स रहेंगे, जब हम दूसरा ट्रेंड देखें डाउन टू ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे हम, रेडियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऐसे में जाएंगे, तब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमने देखा था डिक्रीज होते हुए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इंक्रीज होते हुए, क्योंकि जो शेल है वो इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, और जब एक जगह इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए जाएगा, और ये डिक्रीज हो गया मतलब जब हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे तब वो डिक्रीजेस फॉर्म में जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ज रहता है वो जिस हिसाब से एटम रहेगा उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वो इंक्रीज होगा। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो ये जब हम स्टेट करेंगे तब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिक्रीज मानेंगे डाउन टू ग्रुप में, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म है हम उसको मान लेंगे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जितना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा उतना न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करेगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। टर्म इलेक्ट्रो एफिनिटी मैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आई होप मैंने आपसे पढ़ाया समझ में आ गया है, तो भी कोई डाउट में कमेंट करके पूछना, वीडियो लाइक शेयर करना, बाय।